हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका सुधास टेस्टी ट्रीट्स पर। आज मैं आप लोगों के लिए राजस्थान की स्पेशल रेसिपीज़, जिसमें बेजड़ की रोटी, बेसन गट्टे की सब्जी, और इसे बेसन गट्टे की सब्जी भी बोलते हैं और इसे गोविंद गट्टे की सब्जी भी बोलते हैं। हमने इसमें मावे का यूज़ किया है, इसलिए ये गोविंद गट्टा कहलाएगा। और ये मिर्ची के टिपोरे हैं, ये लहसुन की चटनी है। ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज मेरी मम्मी इसमें मेरा साथ देंगी। तो चलिए, आज मैं आप लोगों के लिए मेरी मम्मी के साथ में गोविंद गट्टे की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। गट्टे बनाने के लिए हमें 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल इस कढ़ाई के अंदर डालेंगे। मैं लोहे की कढ़ाई का यूज़ कर रही हूँ आज, और सिगड़ी पे मैं बना रही हूँ ये। अब मैं इसके अंदर से 3 पत्ते तेज पत्ते के डालूँगी। 2 खड़ी लाल मिर्चें मैंने इसे 2-2 पीसेस में तोड़ लिया है, इसको डाल दूँगी। 1 चम्मच राई, 1 से 1.5 चम्मच जीरा, दाना मेथी डालनी है क्या इसमें? हाँ डालनी। छोंक में डालूँ थोड़ी सी? हाँ डाल लो। अच्छा, मम्मी कह रही है कि थोड़ी सी इसमें दाना मेथी भी डालो, तो मैं 1/2 चम्मच इसमें दाना मेथी भी डाल देती हूँ। और ये थोड़ी सी हींग का पाउडर बना के रखा हुआ है, 1 पिंच ऑफ हींग डाल रही हूँ इसके अंदर। आप अगर लहसुन प्याज खाना पसंद करते हो तो इसमें लहसुन प्याज का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। मैं हींग जीरे के बेसन गट्टे बना रही हूँ, जिसे हम गोविंद गट्टे भी बोलते हैं। जो मैंने पहले से बना के रखे हुए हैं, इसकी जो रेसिपी है मैंने इससे पहले के एक वीडियो में आप लोगों को डाल दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गट्टे में इस कढ़ाई में डाल के थोड़ा सा इनको फ्राई करूँगी। ये हमने गोविंद गट्टे कढ़ाई के अंदर डाल दिए। अब ये जब तक हमारे ये गोविंद गट्टे फ्राई हो रहे हैं, तब तक हम एक बाउल के अंदर हमने 1 से 2 कप ये गाढ़ा दही ले लिया है। ये देखिए इस तरह से, इसके अंदर हम 2 चम्मच बेसन डालेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 से 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच हम इसके अंदर नमक डालेंगे। नमक और मिर्ची आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट लें, आप जैसा खाना पसंद करते हो वैसे मिर्च और नमक को डालें। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसे मिक्सी में भी मिक्स कर सकते हैं, इसका ऐसे पेस्ट बना लेंगे बिल्कुल, और इसको थोड़ा सा हम पतला कर लेंगे। ये मेरी मम्मी की रेसिपी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप अगर लहसुन प्याज खाना पसंद करते हो तो इसमें लहसुन और प्याज का पेस्ट भी मिक्स करके, जैसे हमने जीरा और राई डाली थी उसी तरह से आप उसको भी डाल के भून के और बाद में बेसन गट्टे डाल सकते हैं। ये देखिए हमारे बेसन गट्टे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। और अब हमने जो ये दही का आपके सामने मैंने जो घोल तैयार करा था दही के साथ में, इसको मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इसी के साथ मैं ये 25 से 50 ग्राम के बीच में, मैंने 25 ग्राम मावा लिया है, तो ये 25 ग्राम मावा भी इसमें डाल रही हूँ, जिससे कि हमारी ग्रेवी गाढ़ी हो जाए। ये शाही गोविंद गट्टे बना रही हूँ मैं। यहाँ पे मारवाड़ी राजस्थानी थाली के अंदर ये बहुत ही फेमस है। ये मैंने भून के मावा रखा हुआ था, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट बाद में डाला है। अगर आपने ये मावा भून के नहीं रखा हो तो आप शुरुआत में इसको गोविंद गट्टे को भून रहे हो तब भी आप इसको भून सकते हैं साथ में। अब हम इसको ऊपर नीचे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सारे चलाते हुए अच्छे से इसको चलाएँगे ऊपर नीचे। क्यों मम्मी, रेसिपी ठीक बन रही है? हाँ, गोविंद गट्टे में? हाँ बिल्कुल सही बन रही है, जैसे आपने बताया था वैसे ही बना रही हूँ मैं। हाँ वैसे ही बना रही हूँ। चलो चलो ठीक है, अभी जब मैं बना लूँ तब आप टेस्ट करके बताना आप जैसी बनाई कि नहीं बनाई है मैंने। ठीक है, अभी हमारे गोविंद गट्टे की जो सब्जी है पूरी तरह से भुन चुकी है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, तो ये पानी जिसमें हमने दही का मिक्सचर तैयार किया था घोल, उसी में हमने पानी ले लिया और उसी को ग्रेवी के रूप में हम डाल देंगे। ग्रेवी आप उतनी लीजिए जितनी आपको ग्रेवी चाहिए, वैसे ज़्यादा पतली ग्रेवी इसकी नहीं बनाई जाती है। मावे का आप ध्यान रखा करिए, मावा अगर आपका भुना हुआ मावा ना हो
तो आप जिस समय हमने गोविंद गट्टों को भूना था उसी समय आप मावा भी साथ में भून लें, वरना आप बाद मेरी तरह जैसे मैंने मिक्स किया वैसा मिक्स करें। अगर आप लोगों के पास कभी मावा अवेलेबल नहीं हो तो आप विदाउट मावे के भी इसकी ग्रेवी तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारी सब्जी गोविंद गट्टे की बन के तैयार हो गई है और अब हम इसमें गरम मसाला ऊपर से डाल रहे हैं और थोड़ा सा हम ये बारीक कटा हरा धनिया डाल देते हैं। इसमें अच्छे से उबाल आ गया और ये आपको अगर थोड़ा इसकी ग्रेवी को पतला रखना हो तो आप थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं। इसकी सब्जी वैसे ज़्यादा पतली नहीं बनाई जाती है, थोड़ी इसकी ग्रेवी गाढ़ी रहती है। ये हो गई है तैयार, अब हम इसको एक बाउल में खाली कर लेते हैं। अब हम राजस्थानी मिर्ची के टिपोरे जो हैं यहाँ बहुत ही फेमस है और बहुत ही चाव से खाए जाते हैं। जब भी कभी राजस्थान में जयपुर में गोट वगैरह होती है, कोई राजस्थानी दावत होती है या शादी ब्याह का कार्यक्रम होता है, तब यहाँ हर खाने के साथ में दाल बाटी के साथ में मिर्ची के टिपोरे ज़रूर सर्व किए जाते हैं। तो चलिए हम उसकी रेसिपी को देखते हैं। मैंने कढ़ाई में 2 टेबल स्पून तेल डाल दिया, तेल हमारा गर्म हो चुका। अब मैं इसमें 1 चम्मच राई डाल रही हूँ, 1 चम्मच जीरा डालेंगे, 1 चम्मच दाना मेथी, 1 चम्मच सौंफ डाल रही हूँ और ये 1/2 चम्मच हल्दी डाल के मैं ये इस तरह से कटे हुए मिर्ची को डाल रही हूँ। ये इस तरह की मिर्ची आती है, देखिए इस साइज़ की मिर्ची, ये ज़्यादा तेज नहीं होती है। इसको मैंने बारीक काट लिया है इस तरह से पीसेज में, इसको मैं इसमें डाल रही हूँ। अब मैं इसके अंदर 1 से 2 चम्मच धनिया पाउडर डाल देती हूँ, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग खाएं, हालांकि यहाँ पे बहुत स्पाइसी खाया जाता है राजस्थान में। और ये 1.5 चम्मच में नमक डाल रही हूँ। मिर्च तेज़ होती है तो थोड़ा सा हमें नमक तेज रखना पड़ता है जिससे उसकी स्पाइसनेस कम हो जाती है। क्यों मम्मी सही बन रही है? सही है, बिल्कुल ठीक है। आपको पसंद आ रही है? मैं सही बना रही हूँ, आपने जैसा सिखाया वैसे ही मैं बना रही हूँ। ठीक है, ऊपर से थोड़ी सी ये हींग डाल रही हूँ, बारीक पाउडर है ये हींग का जो मैंने मिक्स कर दिया। अगर थोड़ी आपकी हींग हार्ड हो तो आप इसका पानी का घोल बना के रख लें और उस घोल को इसके अंदर डालें। तो ये देखिए हमारे मिर्ची के टिपोरे अच्छे से भुन गए। अब मैं इसके अंदर ये बारीक कटे टमाटर, 3 से 4 टमाटर आप बारीक काट लें और उसको मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये इसे अच्छे से ऊपर नीचे मिक्स कर लें और इसे गलने देंगे हम टमाटर और हरी मिर्च को। ये सारे हमारे मसाले आपस में मिक्स हो गए हैं, टमाटर, हरी मिर्च और जो मैंने मसाले आप लोगों को डाल के बताए। अब मैं इसमें थोड़ा सा मिक्स करा हुआ दही 1/2 कटोरी के आसपास इसमें डाल रही हूँ। 1 चम्मच अमचूर पाउडर भी डाल देंगे इसके अंदर और इसको ऊपर नीचे चलाएंगे। अभी अच्छे से मिक्स हो गया। मैं थोड़ा सा इसमें पानी 1/2 कप के आसपास पानी मिक्स करके इसे थोड़ी देर गलने के लिए ढक देती हूँ इस थाली से। तो ये देखिए गल के पूरी अच्छी तरह से तैयार हो गई है। क्यों मम्मी, ये बन के तैयार हो गई? हाँ बिल्कुल हो गई। अब इसमें थोड़ा गरम मसाला डाल दो। अच्छा, थोड़ा सा गरम मसाला डालूँ इसमें? हाँ, बहुत स्पाइसी हो जाएगी। मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, सारा खाना बनाना मैंने उन्हीं से सीखा है। तो चलिए हमने गरम मसाला डाल दिया, थोड़ा सा हम हरा धनिया डाल के इसको एक बाउल में खाली कर देते। तो अब मैं आप लोगों को लहसुन की चटनी बनाना बता रही हूँ। मम्मी बहुत ही अच्छी बनाती हैं लहसुन की चटनी, सिलबट्टे पे पीस के खरल से भी बनाती हैं। तो अब एक हमने कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून तेल डाल रही हूँ, 1 चम्मच जीरा और पिंच ऑफ हींग का पाउडर। थोड़ा सा इसको भुन जाने देंगे अच्छे से, जीरा हमारा तड़कने लगे उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच हल्दी इसमें डाल रही हूँ मैं। देखिए मैंने इसके अंदर 25 से 30 कलियाँ लहसुन की ले लें, 8-10 लाल मिर्च लिए मैंने खड़ी हुई, उसको पहले पानी में भिगो दिया था, और 2 से 3 टमाटर लिए, उन सबको मैंने सिल के ऊपर अच्छा बारीक पीस लिया है। अगर आपके पास सिलबट्टा या खरल वगैरह ना हो तो आप इसको मिक्सी में भी पेस्ट बना सकते हैं। ये मैंने पहले से बना के
रख लिया है सारा। इस तरह का पेस्ट बन गया है ये। इसके अंदर मैंने थोड़ा नमक भी मिक्स कर दिया है जिससे हमारा ये पेस्ट अच्छे से ग्राइंड हो सके। उसके बाद हम ऊपर से भी थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। अब ये हमारा देखिए इधर कढ़ाई में हींग और जीरा अच्छे से भुन गया है। अब मैं ये सारा पेस्ट इसके अंदर डाल रही हूँ। मम्मी को दाना मेथी के साथ लहसुन की चटनी बहुत ही पसंद है। सही में ही है। देखिए हमारी लहसुन की चटनी बनके तैयार हो गई। देखिए इसके ऊपर जाली सी पड़ गई है तेल की। अब हम इसको एक बाउल में खाली कर लेते हैं। अब मैं बेजड़ की रोटी बनाने जा रही हूँ। बेजड़ की रोटी जो होती है उसमें तीन तरह के आटे मिक्स होते हैं जिसमें जौ, चना और गेहूँ बराबर मात्रा में इनको लिया जाता है इक्वली, और इसको बारीक नहीं पीसा जाता है इस आटे को। ये थोड़ा दरदरा मोटा आटा पिसा हुआ होता है। तो ये देखिए हमने ये बेजड़ का आटा ले लिया। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक मिक्स करूँगी। ये फीकी रोटी नहीं बनाई जाती, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा नमक ऊपर से मिक्स किया जाता है। तो मैं ये नमक मिक्स कर रही हूँ। पर लोगों को डॉक्टर ने नमक खाना बंद कर रखा, वो लोग इसमें नमक ना डालें। पर इसमें नमक डालने पे ये रोटी बहुत ही स्वाद लगती है। और मैं इसको सिगड़ी पे और ये मिट्टी के तवे के ऊपर ये रोटी सेक के आप लोगों को बताऊँगी कि किस तरह से ये बनती है और सिकती है। इसकी एक लोई जो हम बनाते हैं, एक रोटी 200 ग्राम आटे की रहती है, बहुत बड़ी और अच्छी खासी, थोड़ी मोटी भी रहती है रोटी। तो आप देखिए मैं कैसे बना रही हूँ। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करते हुए इस आटे को मार लेंगे। तो देखिए इसका बेजड़ का आटा मैंने लगा लिया, अच्छे से मार लिया इसको। और ये देखिए ना तो ये आटा ज़्यादा गीला माड़ा है और ना ही नरम है, अच्छा मीडियम आटा माड़ा है। अब इसकी ये लोई मैं थोड़ी इस साइज़ की लोई लूँगी, कम से कम 200 ग्राम की लोई होनी चाहिए। अब हम इस रोटी को बेल लेते हैं। इस तरह से आप इतनी बड़ी रोटी बनाएं। और मिट्टी का तवा है, इस पे मैं ये रोटी डाल रही हूँ। ये मेरा गरम हो चुका है तवा। देखिए एक तरफ से मेरी रोटी सिक चुकी है। अब इसको हम पलट देते हैं ये इस तरह से। तो देखिए हम इस रोटी को ये देखिए अच्छे से पीछे से सिक गई। अब इसको मैं पलटते हुए सेक लेती हूँ। देखिए हमारी रोटी अच्छे से फूल रही है। इसको हम चारों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। देखिए कितनी अच्छी हमारी रोटी फूल गई है। ये देखिए बड़ी बढ़िया फूल। इसको चारों तरफ से हम सेक लेंगे। खाने में बहुत ही टेस्टी सौंधी रोटी लगती है। तो देखिए हमारी पूरी थाली बन के तैयार हो चुकी है। और अब मैं अपनी मम्मी को मेरे हाथ से आज ये स्पेशल थाली टेस्ट कराऊंगी कि ये थाली कैसी बनी है और इसका टेस्ट जैसा वो बनाती थी वैसा आया है कि नहीं आया है। तो मम्मी आप ये थाली खाइए और थोड़ा सा टेस्ट करके बताइए कि सब कैसा बना है, जैसा आप बनाती थी वैसा टेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। खाओ, खा के बताओ। बहुत ही अच्छा बना। अच्छा बना है? हाँ, बहुत अच्छा बना, बहुत टेस्ट आया। अपनी से खिलाऊँ आपको? हाँ दे दो। अच्छी बनी है। तो आप लोगों को अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलती हूँ एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।